हेलो फ्रेंड्स, सोइल यानी सेवन्थ क्लास का एट चैप्टर है सोइल, जिसका हमने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से डिफाइन करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को टैप करके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ सोइल, यहाँ से हमारा ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। अब कंपोजिशन ऑफ सोइल क्या होता है भाई? कंपोजिशन ऑफ सोइल का मतलब होता है कि सोइल बनी कैसे होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी। सोइल एसेंशली, सोइल माने मिट्टी होता है, आपको पता ही है। सोइल एसेंशली कंसिस्ट ऑफ फोर मेन कंस्टिट्यूएंट, इसके अंदर चार मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो इधर लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर, हवा, पानी और सोइल पार्टिकल, और सोइल के पार्टिकल। सोइल के पार्टिकल 45% होते हैं। तो सोइल पार्टिकल सच एज सैंड, क्ले, सिल्ट एंड पेबल्स, ये चीज़ें होती हैं। सैंड मिट्टी होती है, क्ले थोड़ा मतलब कीचड़ या चिकनी मिट्टी जैसा, सिल्ट परत, तहें और पेबल्स पत्थर। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस। ह्यूमस होता है हवा की मात्रा पानी के अंदर। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर। फिर पानी प्रेजेंट इन बिटवीन एंड टॉप ऑफ अ सोइल पार्टिकल्स एंड एयर प्रेजेंट विद इन द सोइल पार्टिकल्स, और हवा जो उसके बीच में रिप्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें से मिलकर के क्या बनती है, मिट्टी बनती है। द डिफरेंस इन द प्रपोर्शन ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट्स, अब बोल रहे हैं जो इनका डिफरेंस है यानी जो इनका अंतर है वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफरेंट सोइल टाइप्स। वही अलग अलग तरह की सोइल्स के लिए क्या होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे समझो आपने बालू रेत देखा हुआ, कहीं चिकनी मिट्टी देखी होगी, तो ये अलग अलग मिट्टी जो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रपोर्शन ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट, यानी जो उसके अंदर चीजें मिली हुई हैं वो क्या क्या है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है चलो एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता चलेगा। टू सेपरेट द वेरियस कंस्टिट्यूएंट, बोल रहा है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए ऑफ ए सोइल, मिट्टी के सैंपल इन टू डिफरेंट लेयर, बोल रहा है अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। जैसे इसने बनाया ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, ठीक है, ये वाटर विद क्ले पार्टिकल्स, पानी और क्ले के पार्टिकल्स, फाइन सैंड, साफ सुथरी रेत, कोर्सल्स एंड ग्रेवल एंड पेबल्स, पत्थर और मिट्टी, और ये सिल्ट। ठीक है, इस तरह से चीज़ें ले ली। मटेरियल नीडेड, सोइल सैंपल, बीकर, ग्लास जार एंड वाटर, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। टेक ए कप फुल ऑफ सोइल फ्रॉम ए नियर बाई गार्डन, मिक्स इट विद अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ बीकर, ऐसे मिला देंगे जैसे इसमें दिखाया हुआ है। फिर बोल रहा है स्टीर द मिक्सचर वेल एंड प्योर इट इन टू ए ग्लास जार, बोल रहा है उसको अच्छे से मिलाओ और एक ग्लास जार में डाल के रख लो। अलाउ इट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर वन और टू आवर, फिर इसे एक दो घंटे के लिए रख दो। ऑब्जर्व द जार, बाद में आप जार को देखो तो आपको ये लेयर्स बनी हुई दिखाई देंगी, समझ रहे हो। सिल्ट ऊपर अलग दिखेगी, फाइन अलग दिखेगा, कोर्सल सैंड अलग दिखेगी, और पत्थर वगैरह ये सारे अलग हो जाएंगे। इसको मिक्स करके आप अच्छे से हिला के और ऐसे करोगे तो ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, बोल रहा है डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल कैन बी ऑब्जर्व इन द जार, बोल रहा है एक तो हम अलग अलग लेयर्स को देख सकते हैं जार के अंदर। सोइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड इन टू लेयर, और सोइल जो है वो अलग अलग किससे मिली मिलकर बनी हुई है, अलग अलग सब्सटेंस से जिन्हें हमने सेपरेट कर दिया है, किस में, लेयर्स में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टाइप ऑफ सोइल्स, टाइप्स ऑफ सोइल, मिट्टी के प्रकार। रब ए पिंच ऑफ सोइल बिटवीन फोर फिंगर, बोल रहा है चार अंगुलियों के बीच में मिट्टी को क्या करो, रब करो। डज इट फील रफ, ग्रीटी, स्मूथ और स्लिपरी, आपको ऐसा अलग अलग महसूस होगा, रफ होगी, ग्रीटी होगी, या स्मूथ होगी, या स्लिपरी होगी, और क्रम्बलिंग या फिर क्रम्बलिंग होगी। ठीक है, जैसे नमक होता है, नमक थोड़ा गरगरा गरगरा महसूस होता है हमें, इसी तरीके से हर अलग, मान लो सीमेंट है, सीमेंट बहुत स्लिपी या चिकनी महसूस होती है। तो इस तरीके से मिट्टियों जो भी आपको जैसी महसूस होती है उसको फील करना है। द फील ऑफ पर्टिकुलर सोइल इज कॉल्ड इट्स टेक्सचर, अब जो वो फील करते हैं ना हम, वो कैसी है उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्सचर। डिफरेंट सोइल टाइप डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग मिट्टियों का अलग अलग टेक्सचर होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिंग कंपोजिशन ऑफ सोइल पार्टिकल, क्योंकि उसके अंदर सोइल के पार्टिकलों का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रपोर्शन ऑफ सोइल पार्टिकल, अब जो ये सोइल के पार्टिकल का प्रपोर्शन है वो डिपेंड करता है किन चीज़ों के ऊपर, पेबल, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनके ऊपर, ये कितनी कितनी है। सोइल कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स, मिट्टी को तीन मुख्य प्रकार में बांटा गया है, सैंडी, क्लेली और लोमी सोइल। ठीक है, तो देखो चलो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सैंडी सोइल इज मेड अप ऑफ अ ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ सैंड,
ये मिट्टी के बड़े हिस्से से बनती है विद वेरी लिटल क्ले और है बहुत छोटी। दिस टाइप ऑफ सॉइल फील रफली टू टच, इट इज लाइट ब्राउनिश इन कलर, और ये हल्की सी ब्राउन होती है कलर में। सैंडी सॉइल हैज लार्ज साइज पार्टिकल एंड देयर फॉर अलाउ वाटर टू ड्रेन इजीली, और जो सैंडी सॉइल होती है इसके पार्टिकल बड़े होते हैं और ये पानी जो है वो इजीली इसमें अलाउ हो जाता है, मतलब वो उसको एक्सेस कर लेती है। एज सच एट रिटेन वेरी लिटल वाटर, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और ये फसल बोने के लिए कुछ खास अच्छी नहीं होती। हाउएवर फिर भी सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ग्रो इफ इट इज इरीगेटेड रेगुलरली। ठीक है, अब इसमें देखो पानी सेफ होता नहीं है, ज़्यादातर रेगिस्तान की रेत जैसी होती है और पानी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता, तो ये क्या है, अगर इसमें कंटिन्यूस आप बार बार पानी देते हो तो आप इसमें फसलें बो सकते हो, जैसे कुछ सब्जियां कुछ फ्रूट्स वगैरह लगा सकते हो। फिर क्लेली सोइल, ठीक है ये देखो आपको दिखा हुआ है क्लेली सोइल। क्लेली सोइल इज मोस्टली मेड अप ऑफ क्ले, ये ज़्यादातर मतलब कीचड़ वगैरह से बनी हुई थी विद ए लिटल अमाउंट ऑफ सैंड, जिसके अंदर सैंड कम होता है, मतलब मिट्टी कम होती है। दिस सॉइल फील स्मूद एंड स्लिपरी, ये स्मूद और स्लिपरी होती है टू टच एंड इज ग्रेइश ब्राउन इन कलर, और ये कलर में थोड़ी सी ब्राउन होती है। सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट इन क्लेली सॉइल आर स्मॉलर इन साइज एंड देयर फोर डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इजीली, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं मिट्टी के, उससे क्या फायदा होता है, उससे पानी इसमें से जल्दी से फ्लो नहीं हो पाता, यानी इसके अंदर से निकल नहीं पाता। थस क्लेली सोइल रिटेन ए लोट ऑफ वाटर, इसलिए ये बहुत सारे पानी को रिटेन कर लेती है, मेकिंग इट स्टिकी, जो इसे चिपचिपा बनाता है एंड स्लिपरी और चिकना बनाता है। टू इम्प्रूव दिस सोइल चॉक कैन बी एडेड, इसको इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर चाल पाउडर मिलाया जाता है जिससे ये थोड़ी अच्छी हो जाती है। फिर है लोमी सोइल, लोमी देखो तीन बताई हमने, एक सैंडी सोइल, एक क्लेली और एक लोमी। तीसरी लोमी सोइल में क्या होता है, इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, ये सैंड और क्ले से मिलकर बनता है। इन एडिशन इट हैज ए हाई ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमस यानी पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत होती है और उनमें हवा वगैरह पानी वगैरह भरा रहता है कंटेन। दिस सोइल इज क्रम्बली एंड डार्क बट नॉट ग्रीटी, ये थोड़ी क्रम्बली और डार्क होती है लेकिन ग्रीटी टाइप की नहीं होती, स्मूद और स्लिपरी भी ज्यादा नहीं होती। सिंस लोमी सोइल कंटेन रफली इक्वल प्रपोर्शन ऑफ बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स, अब इसके अंदर बड़े भी और छोटे भी सारी तरह के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। इट इज पोरस, ये छेदीली होती है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। इनफ टू रिटेन जस्ट इनफ वाटर फॉर यूज बाई प्लांट्स, पानी को सोख लेती है जो पेड़ों को धीरे धीरे मिलता रहता है। मोर एवर ड्यू टू हाई ह्यूमस कंटेंट इट इज द आइडियल सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, और फसलें बोने के लिए सबसे बेस्ट इसको माना जाता है लोमी सोइल को। प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, अब सोइल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मिट्टी की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर गुण क्या क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, अलग अलग तरह की मिट्टियों के अलग अलग प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी मिट्टी है। ठीक है, जैसे पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ठीक है, तो लोमी सोइल है जो सबसे ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है और सैंडी सोइल सबसे कम। फिर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सोइल, पानी मतलब पानी की मात्रा कितनी है मिट्टी के अंदर, समझ गए, उससे भी डिपेंड करता है। द रेट एट विच वाटर पासिस थ्रू सोइल, और मिट्टी में से पानी कितनी स्पीड से पास होता है, या फिर प्री कोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल, उसको प्री कोलेशन रेट भी बोलते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे पता चलता है कि भाई मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक रुक सकता है या नहीं। अगर ज़्यादा देर तक मिट्टी में पानी रुक सकता है तो उससे क्या फायदा होता है कि भाई जो फसल है उसको ज़्यादा पानी मिल जाएगा, और अगर पानी जल्दी से पास हो जाता है तो फिर यानी जमीन में ज़्यादा पानी रहता नहीं है और जिससे फसलों को ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सोइल, प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सोइल, द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए सोइल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर सोइल। देखो अब ये बोल रहा है अगर पानी की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी पेड़ों को उतना ही मिलेगा, और उसी से पता चलेगा कि कौन कौन से पेड़ इसमें पैदा हो सकते हैं। देयर फॉर द मोर वाटर ए सोइल एब्जॉर्ब द मोर वाटर विल बी अवेलेबल टू प्लांट, यानी मिट्टी जितने पानी को सोख सकती है उतना ही ज़्यादा पानी पेड़ को मिल सकता है। टू फाइंड आउट द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए डिफरेंट सोइल सैंपल्स, ठीक है अभी बता रखा है वे फाइंड आउट द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। देखा ये सैंडी सोइल है, ठीक है, नीचे मिट्टी डाल दी और ऊपर से पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है इसमें, देखो कितनी बूंद दिख रही है, चार बूंद, यानी ये स्पीड से डाल रहा है। फिर ये क्ले ली, चिकनी मिट्टी है उसमें देखो कितनी दिख रही है, तीन, तो यानी ये आराम आराम से गिर रहा है,
समझ गए। तो यानी ये पानी को जो होल्ड करने की कैपेसिटी है इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, ठीक है, और इसकी क्या है ज्यादा। तो जिससे क्या फायदा होता है, अब क्लेरी सोइल पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है और पेड़ों को ज्यादा मिलता है। तो यही हमारा इससे ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा था, बोला द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्शन ऑफ द कोनिकल फ्लैश प्लेस बिलो सैंड इज मोर देन दैट ऑफ क्ले, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाई सैंड इज लेस देन दैट ऑफ क्ले। यानी सैंड जो है, मिट्टी जो है, वो क्लेरी सोइल की अपेक्षा कम पानी को सोख पाती है, ठीक है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है कम है। फिर मॉइस्चर इन सोइल, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर, इफ यू टेक अ लिटल सोइल इन ए बाउल एंड हीट इट, अगर आप एक कटोरी में थोड़ी मिट्टी ले लें और उसको गर्म करें, यू विल फाइंड टाइनी ड्रोपलेट्स ऑफ वाटर, आप देखोगे कि हल्के हल्के पानी की बूंदे कंडेंसिंग नियर द माउथ ऑफ द बाउल, बाउल मिट्टी के यानी चारों किनारों पर थोड़ी थोड़ी आपको दिखेगी। व्हेन सोइल इज हीटेड, जब मिट्टी को गर्म किया जाता है, वाटर प्रेजेंट इन इट इज चेंज टू वाटर वेपर विच कूल एंड कंडेंस एज ए वाटर ड्रोपलेट्स ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब पे वो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर उसको मिट्टी को अगर आप गर्म करोगे ना, तो उसमें से जो पानी है वो आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा, यानी वेपर के रूप में आपको दिखेगा। जैसे टेस्ट ट्यूब में आप गर्म करोगे तो टेस्ट ट्यूब में ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखने लग जाएंगी। वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन द सोइल, डिफरेंट सोइल टाइप ऑफ ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन देम, फॉर एग्जाम्पल क्लेली विल हैव मोर मॉइस्चर देन सैंड। अभी हमने पढ़ा था पिछले में कि क्लेली जो सोइल है वो क्या होती है, ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी ज्यादा पानी को रोक सकती है अपने अंदर, तो इसलिए उसके अंदर मॉइस्चर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सोइल डिटरमाइन वेदर प्लांट कैन ग्रो इन इट, और मॉइस्चर से ही पता चलता है कि यहाँ पे कितने लंबे समय तक पेड़ ग्रो कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। प्रीकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल, प्रीकोलेशन रेट देखो ये एक अलग ही टॉपिक हो गया, और इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, आपको दो नंबर में आ सकती है। प्रीकोलेशन का क्या मतलब होता है, बोल रहा है एट द रेट एट विच वाटर कैन पासिस थ्रू सोइल इज नोन एट प्रीकोलेशन, मतलब जो हमने पीछे देखा था ना, मिट्टी में से जो पानी बहने की जो क्षमता थी उसको ही प्रीकोलेशन बोलते हैं, यानी जितना ज्यादा स्पीड से पानी बहता है वो प्रीकोलेशन उसका उतना ही ज्यादा होता है। द मोर पोरस द सोइल, जितनी छेदीली जमीन होगी, द हाई इज इट्स प्रीकोलेशन रेट, और उसका प्रीकोलेशन रेट भी ज्यादा होगा, समझ गए। यानी डिफरेंट सोइल्स हैव डिफरेंट रेट विद विच वाटर पासिस थ्रू देम, सोइल कंपोज ऑफ बिगर सोइल पार्टिकल्स विल हैव मोर स्पेस फॉर वाटर टू, अरे सॉरी क्या हो गया भाई, कंपोज ऑफ बिगर सोइल पार्टिकल्स हैव टू मोर स्पेस फॉर वाटर पासिस थ्रू क्विकली, और पानी उसमें से तेजी से बहना लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सोइल कंपोज ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, और जो सोइल है, मिट्टी जो है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या होंगे, विल बी मोर टाइटली पैक्ड, ज़्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, विल हैव लेसर स्पेस, तो उनके अंदर स्पेस कम रहेगा, इट विल देयर फॉर होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग एंड नॉट अलाउड टू पास इजीली, और वो पानी को होल्ड करके रखेंगे ज़्यादा लंबे समय तक और वो उसको आसानी से पास नहीं होने देंगे। टू मच वाटर इन द सोइल क्लोज द एयर स्पेस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर प्लांट टू ब्रीथ, अब जब ज्यादा पानी हो जाता है, देखो पानी होना अच्छी बात है, मॉइस्चर रहेगा उससे, लेकिन जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो फिर मिट्टी में क्या होता है, बंधे लग जाते हैं, जिससे पेड़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है, समझ गए। तो इस तरह की समस्याएं भी होती है। टू फाइंड आउट द प्रीकोलेशन रेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, अलग अलग तरह की सोइल का प्रीकोलेशन रेट फाइंड करने के लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब बोल रहा है इसमें जरूरत क्या पड़ेगी, वाटर कैन की, मेजरिंग जार की, खुरपी की, थ्री ट्रांसपेरेंट पाइप्स की, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल कैन ऑफ एट बोथ हैंड्स, वाटर थ्री सोइल सैंपल्स सैंड लोमी एंड क्ले एंड स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच करेंगे, वो वही है जैसे हमने पानी डाल के उसको देखा था, उसी तरह की एक एक्टिविटी होगी, और उस एक्टिविटी के हिसाब से क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा टॉपिक कम्प्लीट, इसके बाद पढ़ेंगे हम फर्टिलिटी ऑफ सोइल, यानी जमीन की उपजाऊ क्षमता। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा का। थैंक यू फ्रेंड्स।